वर्दी का रौब इस कदर हावी हो सकता है कि उसे किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करने का हक मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाराबंकी से एक ऐसे ही दरोगा की कहानी सामने आई है जिसने अपनी अय्याशी के लिए एक महिला की जिंदगी नरक बनाकर छोड़ दी। पहले उसका घर तोड़ा, अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आखिर क्या है पीड़ित महिला की पूरी दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। तेरे भाई और तेरे पति नहीं बचा पाएंगे तुझे, समझी? हाँ, जिस दिन मारना होगा उस दिन मार दूंगा तेरे घर में घुस के। अरे दूध नहीं पियोगे अपनी माँ का, मार देना। उस अगर दूध नहीं पिया हूँ अपनी माँ का तो मैं ऐसे नहीं बड़ा हुआ हूँ। हाँ बता देना, समझी? जिस दिन मेरी क्रोध की ज्वाला में बढ़ गई उस दिन मिट जाओगी। अरे जाओ अपना काम करो, समझी? ठीक है, मारना होगा मार देना, कोई बात नहीं। जब वर्दी का नशा सिर पर चढ़ता है तो पुलिस वाले को न तो वर्दी की मर्यादा का ख्याल रहता है और न ही समाज की मान और प्रतिष्ठा का। अभी जो आपने आवाज सुनी वो सीतापुर में तैनात दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी की थी, जो महिला को धमका रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। खाकी को शर्मसार करने की यह खबर बाराबंकी से आई है, जहाँ पीड़ित महिला दर दर भटक रही है। कभी इस थाने की चौखट पर जाती है तो कभी उस थाने की चौखट पर, तो कभी पुलिस कप्तान के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर होती है। महिला को न्याय चाहिए उस खाकी के खिलाफ जिसने पीड़िता की जिंदगी नरक बना डाली, उसकी आबरू को छलनी कर दिया है, उसके बसे बसाए घर में नफरत की ऐसी ज्वाला भड़काई कि महिला को अपने ही घर से बेघर होना पड़ गया। और इन सब के लिए जिम्मेदार है दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी। महिला ने दरोगा पर बेहद ही घिनौना इल्जाम लगाया है और इसकी तस्दीक इस ऑडियो क्लिप से भी हो गई है जो आप पहले ही सुन चुके हैं। यानी साफ है कि जिस ऑडियो को आपने सुना उसे सुनकर वाकई आपका सिर शर्म से झुक गया होगा। आखिर आरोपी दरोगा ने महिला की जिंदगी नर्क कैसे बना दी, तो चलिए सुनाते हैं पीड़िता की जुबानी दरोगा की दरिंदगी की शर्मनाक कहानी। वही तौर पे उन्होंने पैसा ऐसा दिया, मतलब पैसा क्या, सामान इन्होंने दिलाया था, पैसा नहीं दिलाया था उधार के तौर पे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का लकड़ी के एक मतलब बिजनेस करते थे, थोड़ा बंद हो गया था तो जिसके कारण वो बाहर रहने लगे। ये मुझे पैसे के लिए आए दिन मतलब कहते थे कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। हालांकि मैंने इनसे कहा मेरे पति से आपने पैसा लिया, मेरे पति से लीजिए, लेकिन पति के सामने वैसा व्यवहार नहीं करते थे। मैं अकेले घर में रहती थी, मेरे दो बच्चे थे, उनके सामने ये मतलब मुझे मेरे बच्चों के सामने भी कई बार मुझे ये परेशान किए हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये कहने लगे कि मेरे साथ मतलब सेक्सुअल संबंध बनाओ। एक बार सर इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल संबंध जबरदस्ती बनाया, उसके बाद लगातार उसी चीज़ को रोज रोज लेने कर करके मुझे कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह नहीं रहोगी। अभी आपने पीड़ित महिला की ही जुबानी दरिंदे दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी की सच्चाई सुनी कि कैसे उसने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी, जहां महिला अपनी बेबसी जग जाहिर करने के लिए मजबूर हुई और हया के दुपट्टे को उतार कानून के रक्षकों से इंसाफ की भीख मांग रही है। लेकिन ना तो महिला को अब तक इंसाफ मिला और ना ही दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी की धमकी से उसे निजात मिली। दरोगा आज भी महिला को गंदी गंदी गालियां देता है, जान से मारने की धमकी देता है, घर में घुस कर गोली मारने का दावा करता है। पीड़िता के मुताबिक इस शर्मनाक कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब कुछ सालों पहले महिला अपने परिवार के साथ एक मकान में रहती थी, एक छोटा सा कमरा और उसमें ढेरों खुशियाँ। लेकिन बदकिस्मती देखी, जिस किराए के कमरे में महिला रहती थी, जहाँ कभी खुशियाँ गुलजार हुआ करती थी, उसी मकान में दरिंदे दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी ने भी एक कमरा ले लिया। पड़ोसी होने के कारण महिला के पति और दरोगा के बीच मेलजोल बढ़ा तो एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हुआ। बस ऐसे ही जा रहा था यार, कंप्लेंट थी। अच्छा और बता, सब बढ़िया दरोगा जी, आप बताइए। अरे एक बात बता यार, क्या हो गया दरोगा जी? यार तू तो पड़ोस में रहता है, कभी यार मिलने भी नहीं आता, ना कभी मिलने बुलाता है, कम से कम चाय तो पिला दे यार। अरे दरोगा जी आप छोटी बात करें, आप अभी चलो घर, अभी आपको चाय नहीं, चलो दरोगा जी करते हो और क्या नाम है। चलो आप पड़ोस में रहते हो, सब पूछते नहीं हो यार।
आइए अंदर कमरे में। सुनो चाय और पानी लेकर आना। और यार बड़ा लाजवाब घर बना रहे हैं यार। अरे बहुत बढ़िया। क्या पीजिएगा बताइए, चाय कॉफी या पानी? चाय बिल्कुल। चाय सुनो चाय चाय लेते आना। हाँ दो कप लेते आओ चाय। और दुर्गा जी बताइए क्या चल रहा है? क्या चलेगा यार, हमारी लाइफ भी कोई लाइफ है। तुम देखो आलीशान घर में रह रहे हो, सोफा वोफा बीबी है तुम्हारी, साला हम कभी चोरों के पीछे गुंडों के पीछे इधर उधर के चक्कर काटते रहते हैं। कभी कभी साला कचहरी जाना पड़ता है यार चोर सपाटी के चक्कर में। बड़ा जिंदगी बेकार है यार, सच बताऊं। आपके रुतबे कितने आपने कभी सोचा है? अरे रुतबा क्या यार, कितना झेलना पड़ता है। अरे वाह, भाभी के हाथों से चाय तो मजा ही आ जाएगा। चाय तो बहुत बढ़िया है यार, लेकिन लेकिन क्या, इतनी खुशबूदार चाय है ना, मजा आ गया। तेरी लाइफ बढ़िया है, सेट है तू। इतनी सुंदर भाभी है तेरी बीवी, इतनी सुंदर चाय कितना अच्छा बनाती है। हमें देखो कहीं भी पी लेते हैं बैठ के किसी भी दुकान पे। जी आप खड़ी क्यों है? बैठो, आओ बैठो बैठो बैठो, लगे नहीं बैठो, बैठो आओ बैठो। ये हमारे पड़ोसी हैं जी। कभी देखा नहीं मुझे जी? नहीं, ज्यादा बाहर निकलना नहीं होता। अरे भाभी जी, आस पड़ोस में कभी कुछ दिक्कत हो जाए हमें बता देना, ऐसो को तो मिनटों में निपटा देता हूँ मैं। काम ही यही है हमारा रोज का, 24 घंटे लगे रहो इसी में। चाय बहुत बढ़िया बनाई है आपने, मानना पड़ेगा यार। मेरा तो मन कर रहा है मैं रोज आऊं यहाँ चाय पी। अरे बिल्कुल दरोगा जी, जब भी आपका मन करे ना आप चाय पीने यहाँ आ जाना। हाँ मैं तो आऊंगा यार। और जब भी भाई दरोगा जी आए ना आप इनको चाय पिला देना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई साहब जब आपका मन हो आप आइएगा, चाय के साथ पकौड़े भी खिलाऊंगी। जब भी आपका चाय पीने का मन करे ना आप बिना पूछे आप मेरे घर आ जाइए। जिंदगी में ऐसी चाय नहीं। नमस्ते, वो तो घर पे नहीं है अभी। अरे तो क्या हुआ, घर पे नहीं है? आप तो हैं, और आपके हाथ की चाय तो मुझे बहुत पसंद है। आइए। शुक्रिया भाभी। बैठिए बाबू जी, खड़ी क्यों है? अरे बैठो भी, तुम डर क्यों रही हो? मुझसे डरना? अरे थोड़ा पास तो आओ। क्या कर रहे हो आप? अरे अपनों से कैसी शर्म,
आओ तो पागल। आप पागल हो गए कि क्या कर रहे हैं आप ये? अरे कुछ नहीं होगा, छोड़े मुझे। अरे अरे हम तो तुम्हारे दीवाने हैं भाभी जी। अरे छोड़े मुझे। कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे इश्क में मैं तो दीवाना हो चुका हूँ। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैं शादीशुदा हूँ, छोड़िए मुझे। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? मुझसे किस बात की शर्म? अरे भाभी जी मुझसे कैसी शर्म? छोड़े मुझे। अरे छोड़ो ना इसको। दिन हो या रात, घर हो या बाहर, दरोगा का जब दिल करता मन बहलाने के लिए वो उसे अपने पास बुला लेता। यहां तक कि बाहर वाले उसे पति पत्नी ही समझने लगे थे। लेकिन महिला के दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब वो अपने पति को छोड़ दरोगा की अय्याशी के लिए खुद को परोसती रही होगी। महिला जब भी विरोध करना चाहती दरोगा उसे ब्लैकमेल करता। अब महिला ने हिम्मत दिखाई है, दरोगा के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। चुप्पे से वीडियो या कुछ बना लिए थे क्या? इसकी धमकी मुझे देते थे तो मुझे लगता था कि हो सकता है इन्होंने बनाया हो। अच्छा। उसी चीज को लेके मैं सोचती रहती थी कि यह हो सकता है ये हमारा इधर उधर डाल देंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर ये मुझे सीतापुर बुलाते थे, ये जब जीआरपी में हुए तो ये मुझे एक एक दो दो महीना वहाँ पत्नी की तरह रखते थे जी। और जब हमारे पति को सब चीज़ों की बच्चों द्वारा जानकारी हुई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा और मुझे मैके छोड़ दिए। और उसके बाद में मारा पीटा भी मेरे पति ने, क्योंकि मेरी भी गलती थी क्योंकि मैंने इतनी दिन तक बात छुपा रखी थी। महिला की तंगहाली का फायदा उठाते हुए आरोपी दरोगा ने पीड़ित महिला से नाजायज ताल्लुकात बनाने की जिद की। महिला नहीं मानी तो उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई और जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाए गए, उसके साथ रेप किया गया। इस घटना के बाद दरोगा का जब भी दिल करता वो महिला को ब्लैकमेल कर उससे संबंध बनाता, यहाँ तक कि उसका वीडियो वायरल करने का धमकी देता। महिला को भी यही लग रहा था कि चोरी छिपे दरोगा ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। महिला विरोध करती तो उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती। महिला बेबसी का शिकार थी इसलिए खुद को दरोगा के सामने परोसती रह गई। हेलो कौन? तुम्हारा आशिक बोल रहा हूँ। हाँ मैं
अरे तुम्हें कहाँ तंग करता हूँ चानेवन, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें तंग करूंगा तो मैं कैसे रहूंगा। छोड़ने का दिल तो नहीं करता तुमको, एक काम करो ना, आज मिलते हैं ना, बहुत दिन हो गए। अरे ना ना, बर्बाद कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो बुला रहा हूँ ना कि आज एक बार फिर मिल लो, कुछ बर्बाद नहीं। अरे मिल लो, प्यार से बोल रहा हूँ, वरना जबरदस्ती करनी भी आती है मुझे। नहीं मिलोगी तो तुम्हारी जो वीडियो है ना उसे वायरल कर दूंगा। अभी तक तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद नहीं हुई, लेकिन अगर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी ना कहीं पे भी, तब तुम्हारी हो सकता है जिंदगी बर्बाद हो जाए। और एक बात और, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, अगर तुम नहीं मिली मुझे आज, तुम्हारे पति को झूठे केस में अंदर करवा दूंगा। जाने में ना आपको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, आपको नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, आ जाओ ना, आ जाओ। ना 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 ना, नहीं कहीं अपलोड नहीं करूंगा, आप बस तुम मिल लो मुझसे, बड़ा मन। अरे कुछ नहीं होगा कसम से, ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं। दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी जहाँ भी तैनात होता था वहाँ उसे अपने साथ पत्नी की तरह रखता था। पीड़ित महिला उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं थी, पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। हेलो, हाँ जानेमन क्या हाल है? तो सीतापुर आ रही हो ना तुम, क्या नहीं आ पाओगी? तुम्हें सीतापुर आना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, कोई भी बहाना लगाओ, मैं कुछ नहीं सुन रहा, तुम्हें आना पड़ेगा, कोई भी बहाना लगाओ, मायके का बहाना लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें सीतापुर आना पड़ेगा और मेरे साथ एक महीना बिताना पड़ेगा, मुझे खुश करना पड़ेगा तुम्हें। तुझे समझ में नहीं आता हाँ? साली दो टके की औरत, तू नहीं आएगी? तेरे पति को अंदर करवा दूंगा और तेरी जो वीडियो रखी पड़ी है ना वो सारी अपलोड कर दूंगा, नहीं आएगी? भाई ना लाइन पे कैसे नहीं आती, जान है तू हमारी। ठीक, लेकिन अब महिला उसके रोज रोज के इस हरकत से आजीज आ चुकी है, वो उसकी हर नाजायज मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे खफा होकर दरिंदे दरोगा ने अपने और उसके संबंध की बात महिला के पति को बता दी। पति की नजर में चरित्रहीन हो चुकी है उसकी पत्नी, क्योंकि गलती महिला की भी थी जिसने दरोगा की मनमानी अपने पति से साझा नहीं की। आज पीड़ित महिला घर से बेघर हो चुकी है, दर दर की ठोकरें खा रही है, दरोगा के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, जिसके भाई को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। हालांकि इस लड़ाई की खबर पुलिस कप्तान तक पहुंची तो जिले के पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन निलंबन से बौखलाया दरोगा अब पीड़िता की जान का दुश्मन बन बैठा है और उसके परिवार को हलाक करने की धमकी दे रहा है।
देते थे तेजाब उजाब डालने की, इस तरह की मतलब काफ़ी धमकियाँ दिया करते थे और मैं 150 से बर्दाश्त करती थी। क्या धमकी मतलब, क्या तेजाब डालने की? तेजाब डालने के, बच्चों को ये करवा देंगे, तुम्हारे पति को अरेस्ट करवा देंगे, मैं वर्दी पहनता हूँ और तुम मेरे सब सुनेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, यही सब सर। फिर मैं वो क्या सर, मैं GRP में इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया सर, वहाँ पे मेरी सुनवाई हुई और वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह जब मैंने दिया तो ये उसके बाद सस्पेंड हो गए। उसके बाद भी मुझे काफ़ी धमकियाँ अभी तक मिल रही हैं। महिला का सब्र जवाब दे चुका है क्योंकि दरोगा का दहशत जिंदगी पर हावी है। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी उसे जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। आरोपी दरोगा अपने महकमे की धौंस दिखा रहा है, महिला से सेटलमेंट की बात कर रहा है, लेकिन जिस मुगालते में दरिंदा दरोगा आशीष चंद्र त्रिपाठी जी रहा है, वहाँ महिला अब अबला नहीं रही। अब वो जुर्म के खिलाफ विरोध का स्वर ऊंचा करना जान चुकी है, जो ये जानती है कि कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, जिसकी सजा दरिंदे दरोगा को मिलकर रहेगी। कामरान अलवी, बाराबंकी, समाचार प्लस।